तेरे पापा से करा लूंगी, वो कब काम आएंगे, मेरे कपड़े नहीं प्रेस कर सकते। कोई इन बादलों से कह दे कि बरस जाए, बरस दे। आज गाइस हमने लगा दिया मम्मी को प्रेस पे, जो मम्मी कभी भी नहीं करती। हाँ, जो मम्मी कभी भी नहीं करती, क्योंकि इसकी मम्मी को आदत नहीं है प्रेस करने की। हाँ, और मुझे ये काम बिल्कुल 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 अच्छा भी नहीं लगता। इतना गंदा काम है ये प्रेस वाला। क्यों? मैं तो भैया अपने कपड़े चाहे जितने मर्जी बटे हो वैसे की वैसे ही डाल लूंगी, पर प्रेस नहीं करूंगी। हाँ, कहीं फंक्शन में जाना फिर देख लियो आप। फिर धोबी पे भेज दूंगी, तेरे पापा से करा लूंगी, वो कब काम आएंगे, मेरे कपड़े नहीं प्रेस कर सकते। जैसे ही मैं सोती उठी ना, इन्होंने एकदम मुझे प्रेस पे लगा दिया, प्रेस कर दो प्रेस। आज मास्टर जी ने नहीं करी प्रेस और मुझे लगा दिया, अपने कपड़े भी गिरा गए। मास्टर जी पता क्या कर रहे, चाय बना रहे। तभी तो प्रेस चाय कर रहे, तो पहले तो चाय बनाई ना, तभी तो मैं प्रेस करने लगी थी, वरना नहीं करती आप, इतना मेरे को पता था। अभी तो मैंने ब्रश भी नहीं किया, तभी तो। चल तू ब्रश कर ले, ठीक है, और फिर मैं भी कर लेती हूँ, फिर चाय पियेंगे, फिर खाना बना दूंगी तेरे लिए, ठीक है। तो ये देखिए भाई, मेरा आज कितना बड़ा पागल बन गया। ये देखिए, इंस्टा पे रील देखी थी घ्योर बनाने की, एक एक किलो तो घी खराब कर दिया। कितना थेठा है जैसे ने देखो। देसी घी का नाश मार दिया। देखिए, और देसी घी का तो रही अलग। और कहने में बहुत आई फाई मिस्त्री हूँ कहा, और मैं बनाए दूंगा। अच्छा, फिर कोशिश तो देखो। अच्छा, जाली तो भाई अच्छी सी पड़ रही, देखो जो बात है, देखो जालिया नहीं छत्ते बना रहे पूरे। देख अच्छा, ये देखो, ये युद्ध बनाया था जो मैंने आपने तोड़ दिया, ये देख पूरा गोल चक्र है, अच्छा था यो। तो भाई इनका पता नहीं, हमने प्रांत भर दिया। एक पतीला कौन सा था, वो पतीला यो बड़ा पतीला, ऐसे कैसे सिक में घेर दिया भाई, जो भी वो था गोल था जोड़ सा, सारा सिक में गिरा दिया। जब लास्ट में आके नहीं बने ना, और हालत देखो भाई, हाल से बेहाल हो चुके बुरी तरह से। बस अब इनका क्या करना, बुरा डाल के, और रबड़ी तो बनाई दी थी, एक कटोरा ये था बाउल, ईशांत खा गया इसको तो पूरे को ऐसे ही घ्योर का इंतजार करते करते। ये देखिए भाई, एक कटोरा ये रहा रबड़ी का, तो ये तो बन गया था अच्छे से रबड़ी तो, पर वही बात हुई ना, वो नहीं बने घ्योर, बन तो गए, पता नहीं क्या कमी थी, मतलब कि ना ये मटेरियल इनमें कम लगा, मतलब ये ना मोटे से नहीं बने भाई। जो बात है, पतली पतली लेयर सी बनी इसकी घ्योर की, तो बस फिर लास्ट में आके गुस्सा आ गया, तो मैंने सारा वो सिक में गिरा दिया था। और इसको भाई निकाल लेते हैं घी को। तो इसमें ना देसी घी का मतलब मिक्स करते हैं, देसी घी को बर्फ के साथ मिक्स करके ना, फिर मतलब मैदे को फिर घ्योर बनते हैं। पर पता नहीं कोई ना कोई तो कमी थी मेरे ख्याल से, शायद नींबू की कमी थी, मुझे तो यही लग रहा, इसमें शायद नींबू ना कम रह गया हो, ये तभी ना बन पाए, पता नहीं। ये देखिए, प्रांत भर के रख दी वैसे तो घ्योर की। टेस्ट भी अच्छा है, पर बने नहीं जैसे बनने चाहिए थे ना, वैसे बने नहीं है। ये देखो शांत को एक प्लेट में रख के ना बेटे, फिर खा ले आराम से बैठ के, ठीक है, ऐसे मत कर। मजा लग, वैसे तो अच्छा बनाया ना शांत, वैसे अच्छा बना, पर चीनी चाशनी। अरे भाई शांत, मैं परेशान होगी, मैं क्या क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा, तेरे पापा कह रहे बुरा ले आएंगे बस। और ये ईशांत को दे दूं, क्योंकि वो ना थोड़ा थोड़ा सा लेके खा रहा है तो ऐसे मजा नहीं आता, तो उसको ऐसे इसको लगा के दे देंगे रबड़ी। छत्ते तो भाई अच्छे बनेंगे इसके, घेवर के ना छत्ते तो अच्छे बनेंगे, पर ना ये थोड़े से पतले हैं, तो जा रहे हो कहीं? हाँ जी, अब
तो ये देखो भाई घेवर बन गए जैसे कैसे बनी गए भाई जैसे कैसे ले रहे शांत पकड़ अब आराम से बैठ के खा लिया थोड़े क्या बस इतनी इतनी सी वो लगा रखी और कितनी कितनी लगेगी एक पीस मैं ले लूं टेस्टी तो है जो बात है आपने वो कम लगा दिया तो अब आया कैमरा साफ तो किचन मैंने अपनी ना ये साफ कर दी पानी जाने से पहले बस ये सामान उठाने रह गए कुकर ड्रामी कढ़ाई वगैरह जो भी है ना सलप पे ये रह गया तो उससे पहले कि पानी जाए उससे पहले नहा के आती हूँ और उसके बाद करेंगे बातचीत आराम से तो क्योंकि पानी जाने का ना टाइम हो गया है तो नहा के आती हूँ पहले कॉपीराइट आ जाएगा म्यूजिक बंद करना पड़ेगा क्योंकि आ जाएगा कॉपीराइट और उसके बाद करेंगे अब अपना ये काम मेरा एक ही काम होता है अभी बताती हूँ आराम से आपको मेरा काम क्या है इस बेड को उधर से इधर करना और इधर से उधर करना क्योंकि यहाँ मैं नीचे गद्दा लगाती हूँ ठीक है तो अब ना मुझे लग रहा है कि मैं इस बेड को इधर कर दूं और जब रात को मुझे नींद नहीं आएगी ना फिर कल फिर ये बेड उधर ही चला जाएगा पर मैं कोशिश करूंगी कि ये बेड उधर ना जाए और अब सेंटर में ही रहे तो इसको कर देते हैं इधर चोर लगा के हिंसा चोर लगा और यहाँ ये झाड़ू निकाल दूंगी तो मतलब कितना गंद निकल जाता है यहाँ से साइड से और ये देखिए जाले जाले से तो यहाँ से साफ कर दूंगी मैं ये बेड वगैरह जो भी है मैं सोच रही हूँ कि मैं बेडशीट भी चेंज कर देती हूँ आज कर देते हैं अभी बेडशीट भी चेंज क्योंकि इसको भी ना कई दिन हो गए लगी हुई को और ये वाली बेडशीट लगा देंगे आज और ईशांत भी ना जल्दी आ जाएगा आज क्योंकि उसके पेपर शुरू हो गए तो 11:30 या 12 बजे तक आ जाएगा ये जो बेड शीट है ना इसको मैं कर्टन के साथ मैच करके लेके आई थी पर इसका थोड़ा कलर निकल चुका है पर इसको हो भी गए कई साल हो गया बेड शीट को तो थोड़ा थोड़ा बात करते चलेंगे काम करते चलेंगे ना तो यहां से ना बटा दिख रहा है तो मुझे जो बेडशीट पसंद है ना ज्यादातर प्लेन वाली बेडशीट जो होती है वो मुझे ज्यादा अच्छी लगती है और ये फट गया इसकी सिलाई करनी पड़ेगी और इसकी चेन भी निकाल दी शांत ने पिल्लो कवर खराब कर दिया शांत ने इतना अच्छा पिल्लो कवर था ये मैं सोच रही हूँ एक माइक ले लूँ जिससे कि आवाज क्लियर आए अगर जैसे रूम में मैं काम कर रही हूँ तो मुझे ना पूरा जोर से बोलना पड़ता है पड़ोसियों को भी सुन जाता है इतना जोर से बोल लो तब जाके आवाज क्लियर आती है आप तक पहुँचती है तो मैं सोच रही माइक ले ही लेती हूँ पर मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि मैं कौन सा माइक लूँ क्योंकि मैंने पहले भी लिया था और वो खराब निकला था वो 550 की रेंज का था पर वो खराब निकला थोड़ा ही चला था और कुछ खास भी नहीं था उसकी आवाज तो इसलिए कोई अगर किसी को पता है तो मुझे बताइए कि
कौन सा मैं माइक लूं, है ना, सस्ता भी हो और अच्छा भी हो इस तरह का। अभी देखती हूँ इधर गद्दा आएगा या नहीं आएगा, अगर नहीं आएगा तो थोड़ा और हम मतलब बेड को उस साइड कर देंगे, तो गद्दे को मैं इधर ही सेट करूंगी। वैसे मुझे नींद इधर नींद नहीं आती, इधर नींद आती है मुझे। चलो जी ये हो गया हमारा, बेडशीट लग गई। ये बेड ना मैं अकेले कैसे कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें ना ज्यादा सामान नहीं है, खाली जैसे ही है, इसलिए आसानी से ये बेड इधर उधर हो जाता है, जब मन करे जैसे मर्जी कर लो। और ये मैं गद्दा लेके आ चुकी हूँ और इसको देखती हूँ इधर आएगा या नहीं आएगा। और ये गद्दा ना खराब हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल होता है ना वो खराब हो गया, क्योंकि इसको भी ना हो गया है 4-5 साल, तो इसको गिरा के दूसरा लेके आएंगे, फिर जब दूसरा आ जाएगा ना नए वाला इसको गिरा देंगे। तो हमारा यहाँ गद्दा सेट आ चुका है, दिखाती हूँ आपको। ये हमारा गद्दा है जो अब यहाँ लग गया, ये देखिए, है ना। पर जो दूसरी साइड है ना वहां स्पेस काफी हो जाता है, यहाँ कर्टन की वजह से कम लगता है, क्योंकि आधा जो गद्दा है वो तो कर्टन के नीचे ही चला गया। एक बार तो झाड़ू लग चुका था सुबह, पर वही है ना इनके जाने के बाद एक बार और हल्का फुल्का सा झाड़ू निकालना पड़ता है। आज तो फिर बेड भी उधर से इधर किया, तो उसके नीचे से भी काफी सारा कचरा निकल गया था, कमरा साफ हो गया। कल जन्माष्टमी की जय की थी हमने यहाँ, हमारे यहाँ ऐसे थापे बनते हैं और दो चिराग जलाते हैं, तो जय यहाँ की थी हमने, तो इसको भी उठा देती हूँ अब। तो ये बन गई चाय, वो भी अदरक वाली, ठीक है जी। तो ईशांत ने मना कर दिया, वो चाय नहीं पिएगा और पिक्चर चाय ज्यादा वाइट वाइट सी होगी। चलो कोई ना, फोन को रख दे। आभा क्या होता है? आभा आभा क्या? एम्बे 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 छोरे, चाय तो पींदा नहीं। चल अच्छा ठीक है भाई, चलो चाय ले आवे, डाल दी चाय डाल दी। जिस जिसने चाय पीनी है तो आ जाइए हमारे घर, चाय पी लीजिए। और बादल कुछ ऐसे से हो रखे हैं, बरसात का कोई नाम नहीं आता, पता नहीं। ये देखिए खूबसूरत खूबसूरत, कोई इन बादलों से कह दे कि बरस जाए, बरस दे नहीं कहने, इनका तो सावन भी ऐसे निकाल दिया, और इनको तो ज़्यादा गर्मी लगती है, लोग यूँ ही कहने लग जाएंगे बनियान वाला आदमी, बनियान वाला आदमी। बच्चा है बच्चा, समझ आया ना, बहुत अच्छी है। अदरक डाल के बनाई है, अदरक अदरक तुलसी तुलसी, पर इतनी गर्मी में अदरक भी नहीं पीना चाहिए, और हम अदरक वाली चाय पी रहे हैं ना। देख लो भाइयों बहनों, देख लो हमें अदरक वाली चाय। चलो भाई आज के व्लॉग में इतना ही, बस बंद कर दू लोग अपना, कुछ सुनावांगे कुछ कहांगे बताएंगे, चाय तो पी लेंगे।